ठीक है। चलिए आज हम लोग टाइम स्पीड डिस्टेंस का अगला पॉइंट पढ़ेंगे और उसमें हम लोग पढ़ेंगे ट्रेन को, ठीक है। ट्रेन में होता क्या है, ट्रेन चलती है, जैसे जैसे ट्रेन चल रही है तो इसके रास्ते में या तो कोई खंभा आ सकता है या तो कोई आदमी आ सकता है, ठीक ना। आदमी भी आएगा तो उसकी भी लंबाई कोई नहीं होगी, या तो कोई पुल आ सकता है इसके रास्ते में, या तो कोई प्लेटफॉर्म आ सकता है, या तो कोई सुरंग आ सकता है, ठीक ना। ट्रेन के रास्ते में यही आएगा, या तो खुद ट्रेन, दूसरी कोई ट्रेन आ सकती है। जब भी ट्रेन चलेगी तो ट्रेन के रास्ते में खंभा गड़ा होगा वो आ सकता है, कोई आदमी खड़ा होगा आ सकता है, कोई पुल आ सकता है, कोई प्लेटफॉर्म आ सकता है, कोई सुरंग आ सकती है, कोई ट्रेन आ सकती है, जैसे खड़ी ट्रेन है तो इन्हीं को पार करेगी। अब देखिए कहा जाएगा कि ये ट्रेन जो है इस खंभे को कितने समय में पार कर जाएगी, इस आदमी को कितने समय में पार कर जाएगी। तो अब देख रहे हैं ट्रेन इसको पार करने के लिए, क्योंकि इस खंभे और आदमी की कोई दूरी नहीं है, लंबाई कोई तो है नहीं, एक खंभे की तरह है, तो इनको चलने के लिए ट्रेन को, जैसे ही ट्रेन ऐसे है तो ट्रेन को ऐसे होना पड़ेगा, मतलब ट्रेन को खुद की लंबाई चलनी पड़ेगी। लेकिन बाकी के जो ऑब्जेक्ट हैं इनकी खुद की लंबाई है, पुल कुछ मीटर लंबा होगा, ठीक ना, सुरंग भी होगी या कोई प्लेटफॉर्म होगा वो भी कुछ मीटर लंबा होगा। तो ट्रेन को यहाँ पे डी बराबर होता है ट्रेन की लंबाई, लेकिन यहाँ पे कितनी दूरी चलनी पड़ेगी, ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म या सुरंग की लंबाई। जैसे अगर मैं बोलूं कि 100 मीटर लंबी ट्रेन है और एक खंभे को पार करने में उसे कितना दूरी चलना पड़ेगा, एक खंभे को पार करने में उसे 100 मीटर ही चलना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं बात करूं कि 100 मीटर लंबी ट्रेन है और 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को उसे चलने में कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी, तो 100 मीटर तो खुद की लंबाई है उसकी और 200 मीटर का प्लेटफॉर्म है, मतलब अगर वो प्लेटफॉर्म को पार करना चाहती है तो उसे 300 मीटर चलना होगा। यही बात है, चलना होगा। ट्रेन की कुछ स्पीड रही होगी यहाँ पे भी ट्रेन की स्पीड रही होगी, ठीक है। यहाँ पे हम टाइम निकाल लेंगे कि ट्रेन को चलने में कितना समय लगेगा, तो यहाँ पे दूरी होगी ट्रेन की लंबाई, क्योंकि इन ऑब्जेक्टों की कोई लंबाई नहीं थी, लेकिन इन ऑब्जेक्टों की लंबाई होती है, इसलिए यहाँ पे ट्रेन को खुद की लंबाई प्लस उस ऑब्जेक्ट की लंबाई चलनी पड़ेगी, तभी जा करके वो ट्रेन उस ऑब्जेक्ट को पार कर पाए। जैसे मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन लेता हूँ यहाँ पे कि बताइए 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलती हुई ट्रेन, स्पीड दिया हुआ है 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म, 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलती हुई 100 मीटर लंबी ट्रेन रास्ते में एक खंभे को कितने समय में पार कर जाएगी। तो ऐसी बात करेंगे, अगर जो है 100 मीटर लंबी ट्रेन है और इसके चाल भी हमें दिया हुआ है तो हमें दूरी बताना, हमें टाइम बताना है, तो टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक ना, समय बराबर दूरी बटे। अब दूरी दिया हुआ है, मैंने बताया दूरी पहले ही कितना चलना पड़ेगा इसे 100, क्योंकि इस खंभे की कोई लंबाई नहीं, और ट्रेन की चाल भी है हमारे पास, ट्रेन की चाल कितनी है 20 मीटर प्रति सेकेंड। अब इनको काट देंगे, ट्रेन पार करने में कितना सेकेंड लगाएगी, 5। ये बात है, यही बात अगर मैं ये करके बोलूं कि एक रास्ते में एक प्लेटफॉर्म को, एक 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगाएगी, तो अब इसके लिए एक नया क्वेश्चन हो गया, समय बराबर दूरी बदल गई, ठीक है। दूरी क्या हो गई, खुद की लंबाई प्लस उस ऑब्जेक्ट की लंबाई, 100 कितना हो गया 200, ट्रेन की चाल तो वही है 20 मीटर, तो ट्रेन को चलने में कितना सेकंड लगेगा 10। यही बात है, बस इन दोनों क्वेश्चन में यही अंतर है। हम यहाँ पे लंबाई क्यों नहीं ले रहे हैं, क्योंकि आदमी जब खड़ा होता है तो उसकी कोई लंबाई नहीं होगी, या तो खंभा खड़ा होगा कोई उसकी लंबाई नहीं होगी, लेकिन जो पुल होता है, प्लेटफॉर्म होता है, सुरंग होता है, उसकी लंबाई होती है, इसीलिए उसको पार करने के लिए पुल की लंबाई, प्लेटफॉर्म की लंबाई, दोनों लंबाई हमें लेनी पड़ेगी यहाँ, ठीक ना। तो दूरी बराबर यहाँ होगा टी प्लस पी, ट्रेन की लंबाई, प्लेटफॉर्म की लंबाई, लेकिन यहाँ दूरी बराबर होगा कितना, बस ट्रेन की लंबाई, यहाँ लिख सकते हैं आप ट्रेन की लंबाई, ठीक ना। यहाँ पे दूरी क्या होगा, ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई, ठीक ना, ये दूरी होगा। इसी पे हम लोग आज क्वेश्चन करेंगे, ट्रेन से संबंधित सारे क्वेश्चन करेंगे।
ठीक, ये समझ में आ रहा है आप लोगों को? चलिए तो एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग इसके, लिखिए एक क्वेश्चन। क्वेश्चन है, 700 मीटर लंबी ट्रेन, लंबी ट्रेन 35 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलती हुई, रास्ते में खड़े एक आदमी को, कितने समय में पार कर जाएगी, ठीक है, तो हमें समय बताना है। अभी हमने बताया टी टाइम कैसे निकलेगा, टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यही फार्मूला लगाएंगे लोग। अब मैंने बोला कि डिस्टेंस बनेगी क्या, अब देखेंगे कि रास्ते में क्या पड़ा है। रास्ते में पड़ा है एक आदमी, आदमी की कोई लंबाई नहीं होती, तो यहाँ डिस्टेंस बराबर उसी ट्रेन की लंबाई होगी। तो डिस्टेंस बराबर ट्रेन की लंबाई, ट्रेन की लंबाई कितनी है 700 मीटर, ट्रेन की चाल कितनी है 35। आप जानते हैं समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, तो 35 दूनी के 70 कितना टाइम लगेगा उसको, 20 सेकेंड। ट्रेन उस आदमी को 20 सेकेंड में पार कर जाएगी। पार कैसे करेगी, जैसे आप देखिए यहाँ आदमी खड़ा है, ठीक ना, ट्रेन आ रही है ऐसे, ठीक ना, ट्रेन अभी ट्रेन का मुंह बस पहुंचा है आदमी के पास, ट्रेन अभी पार नहीं की है। ट्रेन पार तब करेगी जब ट्रेन कहाँ आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी। तो ट्रेन ने पहले यहाँ थी ट्रेन, अब यहाँ चली गई ट्रेन, इतना दूरी तय किया ना, ये दूरी क्या है, ये खुद ट्रेन की लंबाई ही है ना। तो ट्रेन तभी पार करेगी जब वो यहाँ आ जाए, तो आदमी पार हो जाएगी। तो ट्रेन को खुद की लंबाई चलनी पड़ती है आदमी को पार करने के लिए, या खंभे को पार करने के लिए। बात समझ में आ गई। अब इसी पे हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। मान लेते 700 मीटर लंबी ट्रेन है और 35 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही है, ठीक ना, रास्ते में, ठीक है, रास्ते में एक 350 मीटर लंबे पुल को पार करने में, कितना समय, अच्छा लंबे पुल को, कितने समय में पार कर, फिर वही क्वेश्चन सेम एकदम। 700 मीटर लंबी ट्रेन है, 35 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही है, रास्ते में एक पुल पड़ रहा है जिसकी लंबाई है 350 मीटर, उसको पार करने में ट्रेन कितना समय लेगी, हमें ये बताना। अभी मैंने बताया अभी पुल की लंबाई हो गई है, तो ट्रेन अभी ये खुद पुल इतना लंबा है, ठीक ना, ट्रेन अभी इतनी लंबी है, ट्रेन जब इतना चलेगी तो ये खुद की लंबाई चल गई, लेकिन हमें पार तो हुआ ना प्लेटफॉर्म, मतलब प्लेटफॉर्म को पार करने के लिए प्लेटफॉर्म की लंबाई भी चलनी पड़ेगी। तो यहाँ ट्रेन को अपनी दूरी तो चलनी ही पड़ती है, प्लस उस ऑब्जेक्ट की दूरी चलनी पड़ती है, मतलब ट्रेन को कितना दूरी चलना पड़ेगा, 700 और 300 कितना हो जाएगा 1050, ठीक ना, और ट्रेन की चाल कितनी है 35, ठीक ना, 35 दिया कितना हो जाएगा 105, मतलब ट्रेन कितने समय में पार कर जाएगी 30। बात समझ में आ रहा है, यहाँ पे दूरी क्या बनेगी, यहाँ पे दूरी बन जाएगी ट्रेन की लंबाई प्लस उस पुल या प्लेटफॉर्म की लंबाई, तो दूरी लिखेंगे दूरी बटा चाल, समय हो जाएगा, समय कितना आ जाएगा 30 सेकेंड, ठीक है। अब और करते हैं एक क्वेश्चन, मिटा दो इसको। अब इस पे ट्रेन से और क्वेश्चन क्या आ सकते हैं, ट्रेन से तीन क्वेश्चन टोटल आते हैं आपके एग्जाम में। कहेगा कि एक ट्रेन इधर से आ रही है, ठीक ना, और दूसरी ट्रेन इधर से आ रही है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन है। मैंने बोला है अपोजिट डायरेक्शन होता है तो उनकी चाल क्या हो जाती है S1 प्लस S2। बोलेगा कि एक ट्रेन इधर जा रही है और दूसरी भी ट्रेन किधर जा रही है, इधर ही जा रही है, सेम डायरेक्शन है, तो यहाँ पे S1 माइनस क्या हो जाएगा S2। एक और स्थिति बन सकती है कि एक ट्रेन इधर चली जाए और दूसरी ट्रेन इधर, तब भी अपोजिट ही डायरेक्शन है, यहाँ पे भी S1 प्लस क्या होगा S2, और दूरी तो सबके लिए वही है। अभी मैं बोलूँ कि ये
जो है 100 किलोमीटर की दूरी है, एक ट्रेन इधर से 30 किलोमीटर प्रति सेकंड प्रति आवर की चाल से और इधर से 20 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही है, ठीक ना। ये इधर आ रही है और ये अपोजिट डायरेक्शन है, तो कितने समय में वो एक दूसरे से मिल जाएंगे। समय निकालना है, समय तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, यही होगा। दूरी कितनी है? 100। अब देखेंगे यहाँ पे डायरेक्शन कैसा है, तो डायरेक्शन कैसा है, अपोजिट डायरेक्शन है। अगर अपोजिट डायरेक्शन है तो स्पीड इनकी क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी, तो ये बनेगा सापेक्ष चाल 30, 20, 50। कितना समय लग रहा है इनको, 2, मतलब ये ट्रेन 2 घंटे में मिल जाएगी। बात समझ रहे हैं ना, जैसे देखिए 30 की चाल से 1 घंटा चलेगी 30 किलोमीटर होगा, दूसरे घंटे चलेगी 30 किलोमीटर, इसने कितना चल दिया 60 किलोमीटर, चाहिए 1 घंटा चलेगी 20 किलोमीटर, फिर ये दूसरे घंटे चलेगी 20 किलोमीटर, ठीक ना। तो कितना हो गया 20, 20, 40, 40 इसने चल दिया और 60 इसने चल दिया, 100 किलोमीटर हो गए और ये दोनों यहाँ पे। बात समझ रहे हैं, तो जब भी ऐसी स्थिति बनेगी तो दूरी तो वही है, ठीक ना। अगर डायरेक्शन अपोजिट हुआ, डायरेक्शन अगर अपोजिट हुआ, ठीक ना, तो S1 प्लस S2 और सेम डायरेक्शन हुआ, डायरेक्शन लिख देते हैं यहाँ पे, डायरेक्शन अगर डायरेक्शन अपोजिट हुआ तो S1 प्लस S2 और डायरेक्शन सेम हुआ तो S1 माइनस S2, दूरी वही रहे, ठीक। इस पे एक क्वेश्चन करते हैं, तो ताले हैं ये कल भी पढ़े थे हम लोग, इसी पे एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग। चलिए लिखिए, दो ट्रेन ए, दो ट्रेन एक दूसरे के तरफ, एक दूसरे के तरफ 30 किलोमीटर बराबर तथा 20 किलोमीटर बराबर की चाल से चलना प्रारंभ करती, यदि उनके बीच की, उनके बीच की दूरी 300 किलोमीटर हो तो वो कितने समय में एक दूसरे से मिल जाएंगे, एक दूसरे से मिल जाएंगे, ठीक है। इसी क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग, दूरी जो है हमारे पास दिया हुआ है, हमें टाइम निकालना है और टाइम बराबर होता है दूरी बटे चाल। दूरी भी दी हुई है, चाल भी दिया हुआ है, बस हमें देखना है ये दोनों कैसे चल रहे हैं। ये दोनों एक दूसरे की तरफ चल रहे हैं, मतलब ये इधर आ रहा है तो ये इधर आ रहा है। डायरेक्शन कैसा हुआ? अपोजिट हुआ, तो यहाँ पे चाल क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा, तो यहाँ पे टाइम हो जाएगा। दूरी तो पहले ही पता है कितना है, 300 किलोमीटर, ठीक ना। चाल कितनी हो जाएगी? 30 और 20, 50। तो 50 से काटेंगे तो कितना समय लग जाएगा इनको? 6 घंटे में ये एक दूसरे से क्या हो जाएंगे? मिल जाएंगे। बात क्लियर है, ठीक ना। तो ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में भी, ऐसे ही आया हुआ है कि एक ट्रेन जा रही है और एक आदमी जा रहा है, ये एक दूसरे की तरफ जा रहा है। अब एक ऐसा क्वेश्चन कर लेते हैं, दोनों एक ही तरफ जा रही है, ठीक ना। लिखिए, दो ट्रेनें समांतर पटरियों पर एक ही दिशा में चालीस किलोमीटर प्रति घंटा तथा 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। चल रही
इनकी लंबाई क्रमशः, इनकी लंबाई क्रमशः सौ मीटर, 200 मीटर, वे एक दूसरे को कितने समय में पार करते हैं, कितने समय में पार करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे दूरी क्या लगेगी, एक ट्रेन दूसरे ट्रेन को पार कर रही है। ठीक है, एक ट्रेन दूसरे ट्रेन को पार कर रही है। मैंने बोला है हमेशा जब ऐसे चीजों को पार करें जिनकी लंबाई हो तो दूरी उनकी दोनों लंबाई की होगी। जैसे ये दोनों ट्रेन ही है तो दूरी कितनी हो जाएगी, 100 इसकी और 200 इसकी, मतलब कितना दूर चलना है इन लोगों को, 300। ठीक ना, चाल क्या बनेगी, चाल यहाँ पे घट जाएगा। ध्यान देने वाली बात है कि ये मीटर ठीक है मीटर, लेकिन चाल इनकी किलोमीटर में है, चाल इनकी एक ही दिशा में जा रही है तो इनकी चाल क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो चाल कितनी बनेगी, 20 किलोमीटर प्रति घंटा ये बनेगी। अगर ये मीटर में है तो इसको भी मीटर प्रति सेकंड बनाते हैं, क्या करना पड़ेगा इसको पता ही जल्दी से, किलोमीटर को 5/18 से, अगर 5/18 से कर देंगे तो ये 10 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 9, 10/50/9 मीटर प्रति सेकंड, यही होगा। अच्छा, कितने समय में पार कर जाएंगे, टी बराबर दूरी हो गया, चाल भी निकल गई हमारी 50/9, ये 9 आ गया, कितना कितना हुआ 50 356 सेकंड, कितने सेकंड में पार कर जाएंगे एक दूसरे को, 54 सेकंड। बात समझ में आ रही है, दूरी यहाँ पे क्या निकली है, दूरी इन्हीं दोनों की लंबाई होगी। ठीक ना, एक दूसरे को पार करेंगी तो इन्हीं दोनों की लंबाई दूरी होगी, और चाल जब एक ही दिशा में जा रही है तो चाल हो जाएगा S1 - S2। ठीक है, जब अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो इनकी चाल क्या हो जाएगी, जुड़ जाती है, लेकिन यहाँ पे चाल इनकी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। ट्रेन से जो है इतना क्वेश्चन आता है, एक और मिसलेनियस क्वेश्चन करते हैं, बेटाओ लिखिए, एक ट्रेन 100 मीटर लंबी ट्रेन, 100 मीटर लंबी ट्रेन रास्ते पे खड़े खड़े एक आदमी को, आदमी को 10 सेकेंड में तथा एक प्लेटफार्म को 17 सेकेंड में पार कर जाती है। तो ट्रेन की चाल क्या है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक ना, ये अभी तक का ट्रेन का सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 100 मीटर लंबी ट्रेन है, रास्ते में रास्ते में एक 70 मीटर लंबे प्लेटफार्म, 70 मीटर लंबे प्लेटफार्म, लंबे प्लेटफार्म को पार करने में 17 सेकंड लगाती है, तो ट्रेन की चाल क्या है। पहले तो इसको हिसाब से करते हैं हम लोग, ठीक ना, पहली ट्रेन की चाल 100 मीटर लंबी ट्रेन है, जब ये आदमी को पार की होगी तो बस अपनी लंबाई चली होगी, लेकिन जब ये ट्रेन को पार की होगी तो ट्रेन प्लस प्लेटफार्म की लंबाई चली होगी, यही तो दूरी है, दूरी यही है। अच्छा, दूरी है, अब इसकी चाल, इसमें कितना समय लगा, 10 सेकंड, ये चाल निकल गई, और इसमें कितना लगा, 17 सेकंड, ये भी चाल निकल गई, दोनों चाल जो है बराबर होनी चाहिए, यही बात है, चाल तो ट्रेन की बराबर ही होगी, चाहे वो प्लेटफार्म को पार करे, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, बराबर। पहले तो हम इसको सॉल्व कर लें तो बात हमारी पता चल जाए, बात हमारी क्या पता चल जाए, डायरेक्ट यहाँ से तो ये पता चल ही जाता ट्रेन की चाल, ट्रेन की चाल इतनी हो जाती है। अब यहाँ पे भी ये तो मतलब इजी है, बहुत इजी क्वेश्चन है,
और बोला देखिए यहाँ पे खुद को पार कर चलना पड़ता, 100 मीटर लंबी ट्रेन है और 10 सेकंड में पार कर गई, मतलब चाल उसकी कितनी हो गई 10 मीटर प्रति सेकंड। यहाँ पे देखेंगे 100 मीटर तो खुद की उसकी लंबाई है, यहाँ प्लेटफॉर्म की लंबाई भी पूछी जा सकती थी, ठीक ना, और 70 मीटर ये है, मतलब यहाँ पे दूरी कितनी बन गई है 170, और पार करने में कितना समय लगा है 17 सेकंड, तब भी यहाँ पे चाल कितनी आएगी 10 मीटर प्रति सेकंड, क्योंकि चाल की चाल होगी हर जगह बराबर होगी। यहाँ पे पूछा जा सकता है जैसे प्लेटफार्म की लंबाई बताइए, प्लेटफार्म की लंबाई बताइए, आप ध्यान से देखिए आदमी को पार करने में उसने लगाया 10 सेकंड, मतलब उसकी चाल कितनी हो गई 10 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है, वो प्लेटफार्म को पार करने में कितना सेकंड लगाती है 17 सेकंड, तो दूरी कितनी चल पाएगी उसकी चाल है 10 और 17 सेकंड में पार कर गई, इसका मतलब टोटल वो कितना चली होगी 170, 170 में 100 मीटर तो खुद की लंबाई है उसकी, तो प्लेटफार्म की लंबाई कितनी होगी, ऐसे आराम से हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है, समझ में आ रही बात, कुछ भी पूछेगा यहाँ से आराम से निकाल सकते हैं। मैं एक और बढ़िया क्वेश्चन लेता हूँ आपको, एक ट्रेन की लंबाई 171 मीटर है जो 45 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चल रही है, यह रास्ते में पड़े 229 मीटर लंबे प्लेटफार्म को कितने समय में पार कर जाएगी, ठीक है, लग जाएगा, चलिए लगाइए जल्दी से, दो सौ 29 हेलो आए पढ़ाने, वो भी पढ़ने के होगा वही कहना चाहते हैं, ठीक ना, मैंने बताया जब भी ऐसा कोई ऑब्जेक्ट आए उसके रास्ते में जिसकी उसकी लंबाई हो ट्रेन को उसकी लंबाई भी पार करनी पड़ती है, ट्रेन कितनी लंबी है 171 और उसकी प्लेटफार्म की कितनी लंबाई है 229, कुल कितना हो गया 301 400, दूरी कितनी हो गई 400, यही हो गई, और क्या दिया हुआ है ट्रेन की चाल दिया हुआ है, ट्रेन की चाल कितनी दी हुई है 45 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको बदलते हैं 5/18, 9×18 और 9×5, 5×25/2, यही बात होगी ना, 2 आ जाएगा ऊपर, ट्रेन को पार करने में 4×4 कितना हो जाएगा, कितना लगेगा 16, और 16×32 ट्रेन कितने समय में पार कर जाएगी 16×32, काट सकते हैं ना, काटना सीखिए थोड़ा सा, 100 में 4×25 होता है, 200 में 8×25 होगा, 300 में 12, 400 में 16, 16 बार में कट जाएगा, नहीं हो तो 5 से काटेंगे, तो 16×16×32 ट्रेन का क्या कह रहे हैं, क्यों बंद हो गया है, चल रहा है ना, ठीक है, अब एक और क्वेश्चन लेते हैं, लिखे एक ट्रेन में, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिखे एक ट्रेन में
12 बोगी है, हर बोगी की लंबाई 15 मीटर, हर बोगी की लंबाई 15 यदि यह ट्रेन रास्ते में खड़े एक आदमी को 18 सेकंड में पार कर जाती है तो ट्रेन भी चल गया। रास्ते में खड़े एक आदमी को 18 सेकंड में पार कर जाती है तो ट्रेन की चाल, ठीक है, ट्रेन की चाल क्या है? पहले तो हमें ट्रेन की लंबाई निकालनी पड़ेगी, हमें स्पीड निकालना है, तो स्पीड बराबर होगा डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही होगा। तो डिस्टेंस पहले हम पता कर लेते हैं, डिस्टेंस हमें पता ही नहीं, तो ट्रेन की लंबाई, एक ट्रेन में कितनी बोगी है? 12, ऐसे ना, एक बोगी कितने मीटर की है? तो दो बोगी कितने मीटर की हो जाएगी? वैसे ही 12 बोगी कितने मीटर की हो जाएगी? ट्रेन की लंबाई कितनी निकल गई? और ट्रेन कितने समय में पार कर जा रही है? मतलब ट्रेन की चाल कितनी है? बहुत इजी क्वेश्चन, ठीक है, बात समझ रहे हैं? बस ट्रेन से इतना ही बनकर इसको, ट्रेन इतना ही है और इससे बाहर कुछ नहीं आएगा ट्रेन।